भी प्रीवियसली भी ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल पहली बार गलत साबित हुए हैं। 2004 के चुनाव में जब इंडिया शाइनिंग का पूरा नारा था उस बार भी एग्जिट पोल गलत बैठे थे। लेकिन बाजार के अगर हम पिछले 5-7 चुनावों की अगर हम बात करें तो 6 महीने बाद तो फिर पता भी नहीं चलता है कि नहीं एक कोई इवेंट आया था चुनाव के जैसा, और बाजार उसको भूलने की कोशिश करता है। बड़े इवेंट्स हमने अगर कोविड देखें उसको भूल के बाजार मल्टीफोल्ड चला। बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे जो पोर्टफोलियो बनाने की फिराक में होंगे या फिर अब मौका खोज रहे होंगे, और खोजे क्यों ना भी, क्योंकि 25-25% अगर 30-30% शेयर अगर एक दिन में धराशायी हो जाए टूट जाए तो ऐसा कहीं कि उनका कारोबार खत्म हो गया, वैल्यू फंडामेंटल बुरे हो गए, बल्कि सही वैल्यूएशन पर शेयर आ गए होंगे। सर अगर कुछ शेयर अगर आपको बताने हों जो यहां से अगर आपको आकर्षक लग रहे हैं तो वो कौन से होंगे, किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो क्या अभी का वक्त सही है या आज का दिन गुजर जाने दें कल से एक नई शुरुआत करेंगे? बाजार तो ऑफकोर्स 3-5 सालों के अंदर एक छोटा सा रिंकल सा प्रतीत होगा और एक बहुत बड़ा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो बाजार के नीचे है जिससे बाजार बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर बदलाव आएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कई सारी चीजें जो है वो बहुत महंगी और एक थीम ओरिएंटेड थी कि कुछ एकदम ब्लू स्काई हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए 100 टाइम पे 200 टाइम पे अर्निंग पे चीजें अर्न कर रही थी, वैल्यू थी, वो डिफ्लेट होंगी। और कई सारी चीजें जो रिलेटिवली चीप थी जैसे कि प्राइवेट बैंक्स हैं, हो सकता है कि वो उनका हेफ्ट एक्चुअली मार्केट के अंदर बढ़े। तो बाजार इन एग्रीगेट जो है 5 साल के अंदर मोटा मोटी उतना ही रिटर्न देगा, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाएंगे। अब क्या चीज है जो आज अगर वीक मोदी का रिटर्न है और पोटेंशियली डिफरेंट रिजीम का रिटर्न है तो कई सारी चीजें शायद अच्छा करेंगी, शायद रूरल थीम्स हिंदुस्तान में अगले 2-3 साल बेटर करेंगे, क्योंकि फाइनली विक्ट्री तो बीजेपी का है लेकिन मार्जिनली विक्ट्री ऑपोजिशन के कैंपिंग का भी है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी उनको मिडिल में आना पड़ेगा, तो रूरल हैंडआउट पॉलिसीज, थोड़ा सोशल जस्टिस पॉलिसीज का हेफ्ट बढ़ेगा, तो शायद रूरल इकोनॉमी अच्छा करे। FMCGs जो हैं काफी सालों तक अच्छा नहीं किए थे, कुछ महीना 2-3 महीनों से अच्छा कर रहे हैं, वो शायद अच्छा करें। जो IT है और फार्मा है वो उनके लिए एक न्यूट्रल रजीम है, तो अगर वहां पे गिरावट होती है और लार्ज कैप IT है तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट करेंसी की डेप्रिसिएशन जो लाइकली है उससे उनको फायदा होगा। तो कई सारी चीजें जो न्यूट्रलिश है या पॉजिटिव है उसके ऊपर इन्वेस्टर को एज अ सेक्टर ध्यान देना चाहिए, और कई सारी चीजें जो एकदम कम्प्लीटली एज आई सेड ब्लू स्काई ओरिएंटेड थीम्स के ऊपर बेसिस थी और बहुत महंगी थी, वो एक्चुअली उनका अनवाइंड होता रहेगा कुछ दिनों तक मेरे ख्याल से। तो ये अच्छा माहौल है एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग होना चाहिए, ये नहीं कि 20% कोई चीज गिर गई तो वो ले लें, ये कि क्या सही है इस मैक्रो के लिए, इस रेजिम के लिए, उस चीज को देख करके आदमी को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। एक छोटा सवाल है उसका जवाब भी आप दे दीजिए, छोटा जवाब भी आपसे चाहेंगे, क्या लें फिर, आपको क्या सही लग रहा है? अगर सर स्टॉक्स बता पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमारे दर्शक आपका शुक्रिया कहेंगे। और एक और चीज बताइए कि इस गिरावट में हम ये भी देख रहे हैं कि ईयर टू डेट के जो भी रिटर्न्स थे वो खल्लास, मतलब कि 2024 में बाजार ने जो कमाया सब कुछ खत्म आज एक सत्र में। 100 रुपए अगर किसी को बाजार में डालने हो, हाथ में कोई लेके 100 रुपए बैठा हो अगर किनारे, सोच रहा हो कि बाजार में डालें, अभी उसमें से कितने रुपए बाजार में डाल दे? तो एक वैप करते हैं मेरे ख्याल से अगले 15 दिन का या 10 या 15 दिन के आसपास में, जिसके अंदर आप रोज 5-10% एलोकेट करें और शुरुआत डिफेंसिव और वैल्यू सेक्टर से करें, जो वैल्यू है जो रिलेटिवली चीप और महंगे नहीं है वहां से शुरुआत करें, और अगर पिछले अगले महीना भर के अंदर 20 दिनों में आपको ये लगता है कि कई सारी जो थीम ओरिएंटेड है, जो जेन्युइनली थीम है, वो बहुत सस्ते हो जाए तो वो लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। तो करीबन जैसे 100 रुपए का अगर 5-5 रुपए रोज एक्सपोजर बिल्ड करते हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो बिल्ड करें वो मोस्ट प्रॉब्ली अगर IT फार्मा के अंदर काफी गिरावट होती है तो वहां लें, फिर कल या परसों से आप बैंकिंग में फोकस करना शुरू करें, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट इन्फ्लेशन आएगी तो बैंकिंग के लिए बेहतर होगा और वो ठीक ठाक प्राइस पे भी है अभी, तो विद इन बैंकिंग एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आप लेना शुरू कर सकते हैं, उस बास्केट को ले सकते हैं जो टॉप 7-8 बैंक्स हैं, उस बास्केट को आप धीरे धीरे लेना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद में जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं,
बॉडी कॉल इट निफ्टी के उसको लें, और अंत में जो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर कोई बहुत ज्यादा हाराकेरी हो जाए तो उसको सबसे लास्ट के अंदर उसको पोस्टपोन करें अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए।